सिल्वर दोस्तों दिखा रहा है तेजी के रंग, जिसकी चर्चा हमने परसों की थी कि ये 64,000 के ऊपर जाएगा तो एक तेजी बन सकती है, और कल भी जो है वो अच्छी तेजी बनी, आज भी बनी। और वो वीडियो में हमने ये चर्चा करी थी दोस्तों कि एक सपोर्ट जो है वो निकल के आता है 63,000 का, जब तक उसके ऊपर है तब तक संभावना बनी रहेगी कि हम जो है वो एक बार ऊपर जा सकते हैं। और कल के दिन का लो अगर आप देखेंगे तो 63,217 63,270 का लो बनाया और फिर वहाँ से ऊपर भाग गया। अब क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है उसकी चर्चा कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपके साथ। तो अब एक जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो है 65,000 का, ठीक है। आवाज़ सुनने में शायद आपको थोड़ी दिक्कत होगी, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा क्लियरिटी ना है वॉइस में तो थोड़ा सा सुन लेना, थोड़ा सहन कर लेना 2-3 दिन के लिए। तो 65,000 का जो लेवल है दोस्तों वो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अगर हम ये लेवल ऊपर की तरफ काट पाते हैं, ऊपर की तरफ अगर रुकने की कोशिश करते हैं, जिसकी संभावना मुझे लग रही है कि ये करना चाहिए इसको, तो फिर हमें लेवल देखने को मिल सकता है 65,440, 65,440 के आसपास का। उसके ऊपर जाते हैं तो 65,700, फिर 66,100, 200 के आसपास जा सकते हैं। तो अभी के लिए इतने लेवल जो है वो हमें ध्यान में लेने चाहिए। और जो लास्ट टाइम हमने सपोर्ट मार्क किया था, जो हमारी लक्ष्मण रेखा मार्क करी थी, अब वो 63,000 से खिसका के जो हमने 63,000 पर मार्क करी थी उसको अब ऊपर ले आना है। कहाँ पर ले आना है? 63,950, 950 के आसपास। अगर हम 950 का लेवल जो है वो काटते हैं नीचे की तरफ, या तो इंट्राडे में एक आध 2 घंटे रुकते हैं, तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी खराबी बन सकती है। बाकी 65,000 के ऊपर रुकने के बाद एक अच्छी जो है वो रैली वापस ये कंटिन्यू कर सकता है, जिसकी चर्चा हमने करी थी पहले भी और अभी भी मैं आपको ये मुझे जो लगता है वो बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। वो वीडियो के अंदर 2 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि अपनी क्वांटिटी को अगर 100 रुपये है तो 15 से 20 रुपये ही लगाने हैं आपको, उससे ज़्यादा का काम आपको करना नहीं है, ठीक है। अभी भी वही बता रहा हूँ, आप ये मत समझ लेना कि बोला है सर ने तो चलो पूरा लगा देते, नहीं, 15-20 रुपये से ही हमेशा ट्रेडिंग करनी है। तो उससे रिस्क कम हो जाएगा और आपको बेनिफिट फायदा जो है दोस्तों उसका ज़्यादा हो जाएगा। आप भी अगर ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो लिंक ओपन करके आप भी सीख सकते हो, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अपना ट्रेड करो दोस्तों। उससे पहले अपने एडवाइजर की एक बार सलाह जरूर ले लीजिएगा। ये हमने जो भी चर्चा करी वो मे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है, वो भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।